बाकी अगले मैच में देखना भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिस दिन उनका बैट चलेगा तो भाई या तो सेंचुरी है या तो फिर ऐसा सिस्टम दिखेगा आपको कि आप भी कहोगे भाई स्टेडियम मिल गया। राम राम जी सभी को। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एलविस यादव का और मुना और फारूक का मैच था, तभी एलविस यादव को डेथ थ्रेट्स मिला था। तो इसके बाद एलविस यादव ने इंटरव्यू में मुना और फारूक को जो भाई आउट करके जो टनल तक छोड़ के गया था, और नितिन चंडीला भाई को उसने अपनी टीम से क्यों नहीं खिलाया, इसके ऊपर एलविस यादव ने आफ्टर इंटरव्यू में क्या कहा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नितिन चंडीला पूरी फॉर्म में बैठे हैं, बहुत बढ़िया। हमारे कुछ भाई भी फॉर्म में, हमारे सारे भाई साथ में ना, सारे भाई थोड़े तो नाराज से लग रहे थे कल कि एलविस ने मुझे टीम में नहीं लिया उसके। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सारे भाई हैं अपने और ऐसा कुछ नहीं होता कि उसकी टीम में उसकी टीम में। हमारी टीम फुल हो गई थी इसलिए नहीं ले पाए। भाई कल मुनावर भाई को जो आपने हिंट किया बिल्कुल जब आउट हो गए थे मजा आ गया। इसके बाद नितिन चंडीला भाई से पूछा गया कि एलविस यादव ने आपको अपनी टीम में नहीं खिलाया और एलविस यादव ने आपको आउट करके हक किया, तो तुमने भी उसको आउट करके हक किया, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे। तो नितिन चंडीला कहते हैं कि भाई ये मैच तो कुछ 3-4 दिन के लिए है, हमारा भाईचारा तो लाइफ टाइम तक रहेगा। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं नितिन चंडीला इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो। यार नितिन भाई मेरा क्वेश्चन आपसे था, जब आपका विकेट गिरा तो एलविस ने आपको हग करा, उसका एक्सपीरियंस बताइए। बहुत ही भाईचारा यार है हमारा, जब एलविस भाई का विकेट गिरा तो मैंने उन्हें हग करा, भाईचारा वही मुझे मेरा रिटर्न करने है। भाईचारा ऑन टॉप मोमेंट, यस हमारा प्यार है भाई। वो मैच तो एटलीस्ट तो 4-5 दिन की है, बट हमारा सर का साथ तो जीवन भर का है। इसके बाद अगर आप लोग एलविस यादव के व्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि एलविस यादव की बैक की ना सर्जरी चल रही है। तो लक्ष्य को नाइन टूर में पूछा गया कि एलविस यादव जब भी खेलने आते हैं तो खेल नहीं चलते क्योंकि उसका बल्ला ना नहीं चल पाता है। तो इसके ऊपर लक्ष्य कहते हैं कि अगर एलविस यादव को एक बार बल्ला चल गया ना तो भाई सिस्टम हैंग के साथ ना पूरा का पूरा स्टेडियम भी हिल जाएगा। और उसके टीममेट जो रिबू है वो भी एलविस यादव के बारे में क्या कहते हैं कि हमारा कैप्टन है ना वो भाई बहुत ही मस्त है, जो ओपनिंग में जाता है ना भाई सबको मोटिवेट करता है। तो क्या कुछ कहते हैं लक्ष्य इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारे सारे के सारे प्लेयर ऐसे बाकी अगले मैच में देखना भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिस दिन उनका बैट चलेगा तो भाई या तो सेंचुरी है या तो फिर ऐसा सिस्टम दिखेगा आपको कि आप भी कहोगे भाई स्टेडियम मिल गया। नहीं 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 जीरो नहीं आएगा, कमाल का बैट्समैन है वो, ट्रस्ट मी, चल नहीं पा रहे हैं वो। एक्चुअली क्या होता है ना कि एक आदमी जब सेल्फलेसली खेलता है ना कि टीम के बारे में सोचना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ही प्लेज सेल्फलेस नहीं यार, मैं ओपनिंग पे आऊँ मेरे को रन मारने चाहे आउट हूँ या कुछ भी, वो टीम के लिए टीम प्लेयर है। तो हमारे सारे लोग हम लोग टीम प्लेयर है। वेल गाइस तो ये तो ACL के रिलेटेड छोटी सी न्यूज थी। अगर आप लोगों को ACL के रिलेटेड न्यूज देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।